खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सीधी जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी से सिंगरौली की बदहाली व केंद्र सरकार की गलत नीतियां व मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया गया, जिनमें और कई विभिन्न मुद्दे शामिल रहे। सीधी से निर्वाचित सांसद रीति पाठक पर सभी नेताओं के द्वारा तीखे आरोप लगाए गए, जिसके उपरांत SDM के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्यतः जिला अध्यक्ष सीधी रुद्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता, महामंत्री ज्ञान सिंह, विधानसभा प्रत्याशी धौहनी कमलेश सिंह, राजेंद्र सिंह भदौरिया, आनंद सिंह शेरगांव, सरदार अजीत सिंह, भानु पांडे, कुमुदनी सिंह, यूथ जिलाध्यक्ष रंजना मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। जब आंख पाएगा तभी उसको आंख दिखाई देगी, तो ये ज्ञापन से पेट नहीं भरेगा इस क्षेत्र की जनता। इतने 2017 में जो ये रोड पूरी हो जानी थी, आज 8 साल बाद एक लेन कंप्लीट नहीं हो पाई ज्ञापन नितिन गडकरी को देने से। अगर सिंगरौली और सीधी की जनता का पेट भरना होता तो भर जाता। सीधी क्षेत्र की जनता को हम तो एक ही बात कहते हैं कि रेल का ढिंडोरा वो कूटती पीटती रहती है कि रेल हम ले आए, हम ले आए। रेल की ताली अगर लेती हो तो रोड की गाली भी लेने के लिए तैयार रहो। ये भी देखना चाहिए, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। सीधी की जनता ने आपको सांसद चुना है और इस आशा के साथ चुना होगा कि जिन किसानों ने अपनी 4 लेन हो जाए, अच्छी सड़क बन जाए, काली डामर वाली सड़क का हम दर्शन कर लें। इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी होंगी, इस कल्पना के साथ दी होंगी कि सड़क अच्छी बन जाएगी तो उस पर हम चलेंगे। आज डर लगता है कि सड़क पे खड़े हों बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज कुबरी में हमारा कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, आज वो कुबरी में आई। ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है। मैंने कहा अंत नहीं है। मैं आप सबको मालूम होगा कि कई बार मैंने कहा इस बात को लेकर आंदोलन करना चाहिए और जिला कांग्रेस कमेटी बात को सुनी और आज ये आंदोलन की भूमिका बनी। अगर वो कहती है 7 दिन में पूरा हो, हमको तो नहीं लगता पूरा होगा और हमने आंदोलन किया है। अगर नहीं पूरा हुआ इसके बाद फिर आंदोलन करेंगे, प्रजातांत्रिक ढंग से अपन करेंगे। खबर समय जगत के लिए सीधी से ब्यूरो चीफ आशुतोष सिंह की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।